इजरायली सेना इस समय दो फ्रंट पर जंग लड़ रही है। हमास से युद्ध के बीच उसे हिजबुल्ला के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला अपने हमलों से कहर बरपा रहा है। हिजबुल्ला के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजरायली सेना बलों को संभालने का मौका भी नहीं मिल रहा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल और हिजबुल्ला के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन इन सब अटकलों और दावों के बावजूद भी हिजबुल्ला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है और हिजबुल्ला लगातार हमला कर आईडीएफ की नाक में दम कर रहा है। अब हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर मौजूद इजरायली खिरबाद मार मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ड्रोन दूर से उड़ान भरता हुआ आता है और सैन्य बेस से टकरा कर फट जाता है। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने दो और सैन्य बेस पर किए गए अपने ऑपरेशन के फुटेज जारी किए हैं, जिसमें बयात ब्लीडा मिलिट्री साइट पर किया गया हमला है। वहीं मेरोन बेस पर हवाई सर्वे और कुछ ऑपरेशन से जुड़ी इमारतों पर हमले का वीडियो भी रिलीज किया है। हिजबुल्ला ने इन सभी सैन्य चौकियों पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने बताया कि यह ऑपरेशन फिलिस्तीन के लोगों और उनकी बहादुरी के समर्थन में किया गया था। साथ ही लेबनानी शहर जुआया में इजरायली सेना द्वारा किए गए हमले और हत्या का जवाब भी था। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक लॉन्चर में कई रॉकेट भरकर उसने एक के बाद एक फायर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने पश्चिमी ब्रिगेड की तोपखाना बटालियन के मुख्यालय पर भी हमला किया है। अपने इस तीसरे ऑपरेशन का वीडियो भी हिजबुल्ला ने जारी किया है, जिसमें इसके कमांड सेंटर और खिरबत मार मिलिट्री बेस में अधिकारियों और सैनिकों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने हमलावर ड्रोनों का एक दस्ता लॉन्च किया, जिसने बेस के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया और वहां आग लग गई। साथ ही कई सैनिक घायल। इजरायली सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कंटेनर रूम को भी हिजबुल्ला ने निशाना बनाया। इस हमले के लिए पहले उसने टोही ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी की और लक्ष्य का पता लगने के बाद में ड्रोन से निशाना बनाया। ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्ला ने ऐसा हमला किया हो। हाल ही में हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कीरियत शमोना, कफार सोल्ड और मार्गेलियट सेटलमेंट्स पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया था। इसके साथ ही इजरायली हमले में मारे गए अपने सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला की मौत से बौखलाए हिजबुल्ला ने इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में इजरायल ने गोलान हाइट सहित 15 इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके लिए करीब 150 रॉकेट और 30 विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इस हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए। हिजबुल्ला के रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले भी हिजबुल्ला ने इजरायल पर करीब 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे।